बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, सुशील मोदी और राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। बिहार में बीते 16 नवंबर को नई सरकार का गठन हुआ था, लेकिन ढाई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया है। सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि मुझे भरोसा है कि विकास और प्रदेश में शांति के दम पर बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। असम में अप्रैल मई महीने में ही विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। यूपी के मुरादाबाद से बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। अपनी शिकायत में विधायक ने कहा कि फोन पर एक शख्स ने उनके साथ अभद्रता की, साथ ही उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। विधायक रितेश गुप्ता को एक बार पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे और 70 विधानसभाओं के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 1,00,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी के मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से बीजेपी विधायक उमेश मिलक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज शिकायत में विधायक ने बताया कि शनिवार रात उन्हें इंटरनेशनल नंबर से धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये याचिका वकील विनीत जिंदल ने दायर की है, जिसमें अनुरोध किया गया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को ऐसी व्यवस्था बनाने का निर्देश दे जिससे सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषण और फेक न्यूज पर रोक लगाई जा सके।